रियल क्रिकेट 24 के परफेक्ट डिफिकल्टी की तलाश में हमने कुछ चेंजेस किए हमारे आईपीएल 2024 के गेम प्ले में। अभी आपके सामने आएगा रैंकिंग, जहां पे आपको एक बैड न्यूज ये है कि भाई हमारी जो टीम है चेन्नई, वो तीन में से एक मैच जीती है। मैं फिर भी सरप्राइज हूँ, एक क्यों जीत गए, क्योंकि हमने टूर्नामेंट को रिसेट कर दिया और अब हम इस टूर्नामेंट को एक्सपर्ट मोड में खेलने वाले हैं। पहले तीन मैच जो हो गए थे वो हो गए थे, तो अब मैं सीधा चौथे मैच पे आ चुका हूँ, जहाँ पे हमारा सामना होने वाला है राजस्थान के सामने लखनऊ के मैदान में। तो जी हाँ, टीम में तो कोई बदलाव नहीं है, इवन सब्स्टिट्यूशन में भी कोई बदलाव नहीं है। इस गेम में वो बग है जहाँ पे कमेंट्री फिर से ऑन हो जाती, तो वो थोड़ी दिक्कत है। टॉस जीतते हैं तो अब भाई डिफिकल्टी अप हुई है। दोनों बार हमने मैच आसानी से जीते थे, तीनों बार, तो ठीक है, जो आ जाता है वो बेस्ट रहेगा मेरे लिए। बट मैं जीतता हूँ तो आई थिंक मैं बैटिंग करना चाहूँगा। रन डिफेंड करेंगे हम लोग, जाएंगे हम लोग हेड्स के साथ। टॉस टाइम, राजस्थान के कप्तान ने टॉस हारा है, हमने जीता है टॉस, और जैसा मैंने कहा था फर्स्ट बैटिंग करेंगे एंड रन डिफेंड करना चाहेंगे धोनी के धुरंधर। एंड हियर कम्स द प्लेइंग 11 राजस्थान की आपके सामने आती हुई, और हमारी टीम तो वही है। सब्स्टिट्यूशन भी मैं यूज़ करूँगा, डिपेंड करता है कब कैसे, बाकी उम्मीद करता हूँ मुझे कम से कम दो ओवर मिले। 78 पे दो पे आ रही है हमारी बैटिंग, 10 ओवर का गेम प्ले समाप्त हुआ है, 8 के रन रेट से दो कम। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहेगी 180 और 190 मारने की। यजुवेंद्र चहल स्पिनर, मतलब कि भाई मेरे लिए फील्डिंग सेटअप पैक होगा। तीन रन निकाल कर मोइन अली ने हमें दे दिया स्ट्राइक फील्डिंग। अरे यार कमेंट्री, यार साउंड जीरो है फिर भी भाई साहब को बोलना है, जबरदस्ती घुस घुस के मेरे माइक के अंदर। बढ़िया गेंद, थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया था। सिंगल से शुरुआत हुई है, 17 में 19 रन, भाई इतना गंदा। अली मेरे से बेहतर खेल रहे हैं, फिर से ट्रिपल के साथ, फिर से स्ट्राइक हमको मिलता हुआ। और मेरा हाल यह है कि पता नहीं गेंद बैट पे आएगा भी कि नहीं। अरे एक रन, थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो जाती तो बाउंड्री आ जाती। अरे फूटी किस्मत भाई, यहाँ पे एक और स्पिनर आ गया है। मुझे डाउट है, बेहतर है पुश करके डबल निकाले। मुझे डाउट था कि फ्रंट फुट पुश चलेगा भी कि नहीं, और साथ में एडवांस का भी डाउट था मेरे को, तो मेरे दो मेन शॉट्स पैक थे। कट किया, दो निकले, उससे ज़्यादा कोई ऑप्शंस ठीक है आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो बैट पे प्रॉपरली। सिंगल, 20 गेंदों में 23, अभी भी स्कोर कार्ड बहुत ही खराब लग रहा है। इस ओवर में अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल्स और डबल से ही रन बनाए हैं। डबल एक बार फिर जुड़ेगा, अच्छी फील्डिंग पॉइंट पे दिखाते हुए। अब ओवरथ्रो भी हो रहा है ट्रिपल के साथ, इस बार मैं मोइन अली को स्ट्राइक दे रहा हूँ, लास्ट टाइम वो मुझे दे रहे थे। ये अच्छा है, वसूली करवाएंगे भाई पूरी, एक बार और देनी पड़ेगी। लेकिन फिर चहल इज बैक, और क्यों ना है, एक ही ओवर डाली है इन्होंने अभी तक, तो डेफिनेटली ही विल बी बैक। और ये बेहतर शॉट, ऐसे शॉट भी अगर बाउंड्री नहीं जा रहे तो भाई बहुत मुश्किल है इस मैदान में अब बाउंड्री निकालना। तेज गेंदबाज का इंतजार रहेगा अभी तो, यही कहूँगा मैं। 15 ओवर से पहले भैया मैं अटैक करने वाला हूँ नहीं, भूल जाओ मेरे से कि मैं 15 ओवर से पहले, मैं एटलीस्ट मेरे प्लेयर से लॉकेट मरवाऊंगा। डबल्स मुझे मंजूर है बट विकेट का रिस्क नहीं। हाँ, इनसाइड एज, आउटसाइड एज, कैच सामने, वो सब बात अलग है। आरसीपीएल का ये गेम प्ले डेफिनेटली भाई बहुत अलग फीलिंग देता है, जहाँ पे आपको सिर्फ एक विकेट का गेम प्ले सोचना है। मैंने कितने भी आरसीपीएल खेले हो, 10 ओवर वाले गेम प्ले किए, वो अलग था, ये बिल्कुल अलग है। दो रन बहुत आसानी से आते हुए, बट थोड़ा चेंज की थी लाइन लेंथ। अभी भी बेहतर है कि आप सुप शॉट ले लो। ओए आरसी 20 डबल्स फिर से तीन, ओ अंत तक ऑप्शन था तीन दौड़ाने का, आई थिंक आ जाता है जिस तरह से धीरा धीरा ढीला ढाला थ्रो फेंके हैं। पार्टनर्स से 51 रन्स की अली एंड मेरी, बट यही है कि रन थोड़े और तेज होते तो ज़्यादा अच्छा होता, 10 रन कम से कम। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आखिरी गेंद पे आप बैट पे ले पाओगे, क्योंकि ये मेरी आदत रही है। अली भी मिस हुए थे दोनों ओवर में पिछली, मैं भी मिस हुआ आखिरी गेंद, एक डॉट तो गई है, 9 रन का था ये, 10 रन का ओवर है। एंड वो 15 वाला जो था ना, 15 वाला मेरा कोटा उस सेक्शन, ओ इसी के बारे में बात कर रहा था कि इनसाइड एजिस पे आउट हो जाऊँ तो मैं जिम्मेदार नहीं हुए। डबल रन्स मेरे ही को ही खतरे की तरफ रखते हुए बच गए, किस्मत ऐसी कि फिर से स्ट्राइक दिला दी है। गेंद तो यूनिक यूनिक नहीं है कुछ, बट गैप में जाता चार जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, टाइमिंग परफेक्ट था ऑलमोस्ट। और ये मैंने तीन रन दे के, अली ने मुझे दो बार तीन की स्ट्राइक दी थी, मैंने भी उनको तीन रन निकाल के स्ट्राइक दे दिए दो बार। फ्री गेंद खेलने का सौभाग्य मुझे मिलता हुआ, अरे मुझे क्यों लग रहा है ये डॉट जा सकती है। गेंद पूरा भाई, टाइमलाइन पूरी मेरी, अब अटैक करना पड़ेगा मुझे।
ऑर्डर आ गया धोनी सर का, अगर नहीं मारते हो तो नेक्स्ट मैच में भाई बिठा देंगे। ऐसे भी गुस्से हैं मेरे से, क्यों गुस्से हैं उसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। एंड प्लीज़ लाइक भी कर देना यार वीडियो को, अब पता नहीं क्या होगा इस गेम में। फाइनली स्ट्राइक मिलती हुई, अभी ये दिक्कत है कि शॉट्स तो है नहीं जो मैं लेना चाहता हूँ, मतलब वो अभी भी फील्डिंग स्पिनर के सामने तो पैक ही है। रन आउट की तरफ गए हम लोग, बहुत बड़े खाओ उधर है हम लोग। पिछले मैच में धोनी की विकेट खाई थी, इस मैच में अली की विकेट खाई है, और इन दी एंड ये प्रेशर मेरे पे ही आने वाला है क्योंकि अब मेरे पास एक बंदा कम हो गया है रिस्क लेने के लिए। बहुत अच्छा खेल रहे थे और हेलमेट बटलर ने पता नहीं क्यों अपनी एडवर्टाइजिंग का होर्डिंग यहाँ सर पर लगाया हुआ है। अली 58 अच्छा खेलते हुए आउट हुए। फाइनली एंट्री पड़ी नवदीप सैनी, फास्टर गेंदबाज, लेकिन एक तरफ मेरा ध्यान गया है मैं स्क्वायर लेग मार सकता था, बिना मतलब डिफेंसिव एटीट्यूड से खेला हूँ। अब तेज गेंदबाज को देखे जो खुशी हुई है वो मेरे कितने शॉट बैट पे आती हैं उस पर सब कुछ डिसाइड करेगा। पहली गेंद तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यॉर्कर रखते हुए, प्लान में चेंजेस, मेरे को ही सिंगल देना था, बहुत बड़ा रिस्क धोनी लेने जा रहे हैं। ये दम सिर्फ धोनी में ही है भाई, और मैं सिर्फ धोनी के साथ ही ले सकता हूँ और किसी से हिम्मत भी नहीं कर सकता। ये शॉट 4 रन ओवर एंड हुआ है पर सिर्फ 7 रन आए हैं। 158-160 तो ये टीम ऐसे ही मार लेती थी, मतलब आउट ऑफ फॉर्म रहते हुए भी, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। उस केस में मेरे परफेक्ट शॉट यहाँ पे हमारे स्ट्राइक रेट को, रन रेट को बढ़ाएंगे। 4 रन मिला है, 2 रन और मिल जाते तो अच्छा होता। देख के अच्छा लगा कि ये शॉट हम मिस नहीं हुए, क्योंकि पिछली ओवर में मैं धोनी से मिस हुआ था तो थोड़ा डाउट में था ये लगेगा कि नहीं समझ पा रहा है ये कहाँ कहाँ गैप है, बट है कहीं तो गैप है। अरे दो गेंदे डॉट, दोनों बाउंसर, अंपायर ने वार्निंग एक में भी नहीं दी है, मतलब अभी भी दो बाउंसर आ सकती हैं। एक शॉट मारा था वो भी बाउंड्री गई थी, चलो भाई दूसरी बाउंड्री यहाँ पे ऐड होती है। 8 रन मुझे चाहिए, एक और 4 लग जाए तो मज़ा आ जाए, या फिर 2 डबल आ जाए कम से कम, 50 पूरा आई थिंक, क्योंकि ये सेलिब्रेशन उसी के साथ आता है। 2 चौके सिर्फ लगाए हैं, सोच लो कैसी पारी रही होगी। लॉन्ग ऑफ की तरफ, अरे यार पोजिशन चेंज ही नहीं हो पाई। स्क्वायर लेग है तो बेस्ट, धोनी मेनिया इज ऑन। ओ आउट, क्या हम ये मैच हारने वाले हैं, क्योंकि 180 अब थोड़ा सा मुश्किल लगता हुआ जो प्लेयर्स बचे हैं उनके साथ। ओवर पर से मारना होगा शॉट, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है ये। अच्छी गेंद है कवर के लिए, ऊंचा शॉट, अरे फील्डर कहाँ से लाइन में आने लगा, शुरू में नहीं लगा था कि इस लाइन पे कोई है भी, इजी बाउंड्री लग रही है मेरे को तो, डबल ही आया सिर्फ। 9 रन ओवर से एक गेंद बाकी, पुश करते हुए क्योंकि इस गेंद पे मेरे पास कोई और शॉट है नहीं इतना परफेक्ट जिस पर मैं गारंटी कर सकूँ कि हाँ भाई 4 का रिस्क होगा, कोई शॉट ही नहीं है इसमें। लॉन्ग ऑन वॉन्ग ऑन बहुत बहुत टफ हो जाएगा, आउट हो जाना चलेगा बट मारना जरूर कम से कम लॉफ रेट। अरे यार क्या गेंद है ये, ना हाइट पे आती है ना बैट पे आती है, नॉट गेंद, कंटिन्यू, लास्ट बॉल, पहली बार मैं नॉट आउट रह सकता हूँ अगर इस आखिरी गेंद पे। अरे बाप रे बाप, यॉर्कर पे कभी गए बैट पे कनेक्ट नहीं हुई, सिर्फ 1 रन दिए ट्रेंट बोल्ट ने। अब मैं लिख के ले लो भाई, ये जो 10 रन एक्स्ट्रा आ सकते थे ये चेन्नई को भारी पड़ने वाले हैं। स्कोर कार्ड पे बहुत ही खराब, हम नंबर 1 पे होंगे शायद, लो मोइन अली 2 रन से रह गया, मोइन अली नंबर 1 पे, लेट्स सी हमारी बॉलिंग में क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या है लॉजिक, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे 2 ओवर दे के बैठा है 5 ओवर में, मुझे मैं अगर नहीं लेता तो गारंटी था कि 4 ओवर 10 ओवर से पहले ही मेरा खत्म हो जाता गेम प्ले, बट ठीक है अभी अंत के 2 ओवर्स करने का मौका मिल रहा है हमको। अटैकिंग 1 तो बिल्कुल मैं नहीं रखूँगा एक्सपर्ट मोड में, पावर प्ले का लास्ट ओवर है, मतलब अपना सब कुछ लगाना चाहेगी टीम यहाँ पे। राजस्थान रॉयल्स 5-48 बराबर से ही खेल रही है, मतलब डेथ तक ले जा सकती है, बट हाँ ये ओवर बड़ा हो सकता है, काश एक ओवर और, एक ही ओवर हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट ठीक है अभी। और फ़र्क देख लो भाई साफ साफ, 2 ओवर में 19 रन दिया मैंने, जनरली 2 ओवर में मेरा हार्ड मोड में 12-13-14-15 मैक्स। दो मत लेन देना बढ़िया, सिंगल डबल से मैं तो काफ़ी खुश हूँ अगर यहाँ पे सिंगल डबल ही आते हैं तो। इंटरेस्टिंग पार्ट, हम मैच का ऐसा ओवर कर रहे हैं जो पावर प्ले का लास्ट 3 गेंद है या 6 गेंद है, AI अगर 3 विकेट भी खो देता है तब भी इन ओवर्स में अटैक करता है, कर रहा है बट सफल नहीं हो रहा, एक बार फिर ना सफल असफल ना सफल नहीं होता। 4 रन आए अभी तक 4 गेंदों में, लेग स्टंप पे गेंदें बहुत कमाल की, फाइनली शॉट 6 का खेल दिया है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था।
मेरा रिएक्शन बहुत कुछ कह रहा है मुझे मालूम है, क्योंकि ये आई थिंक ये फर्स्ट टाइम सिक्स पढ़ा है मेरे को पिछले चार मैचों में, और ऐसे मूवमेंट में पढ़ा है ऐसे, मतलब जहाँ पहला ही मैच है हमारा एक्सपर्ट का, और अगर हार गए तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। पेस कम किया है बट जिस तरह का शॉट था कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है शॉट, दैट्स अ विकेट। ये होता है मूवमेंट, ये होती है खुशी। और आप एक्सपर्ट मोड में जब विकेट निकालते हैं वो भी तब जब आपको पहले छक्का पड़ा हो, वो तो भाई मतलब अलग ही आसमानी बुलंदियां पहुंचाने वाला मूवमेंट होता है ये। और धोनी भी कुछ ऐसे से कह रहे हैं कि मैंने ही कहा था तुम्हें, पता नहीं कुछ कह रहे हैं, गेम में ऐसा ही एनिमेशन आता है, कीपर ऐसे से करता है। और संजू सैमसन फंस गए, कप्तान फंस गए राजस्थान के, ये ख़त्म होने से पहले पावर प्ले के अपने आप को पवेलियन में बैठा हुआ पाएंगे आने वाली 14 ओवर्स में। मुझे ऐसा कहा है लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने कि भाई आप सिर्फ अपना ही गेम प्ले डाला करो, तो क्या भाई और भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं सिर्फ अपना गेम प्ले डालूं, या फिर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग मोमेंट जहाँ पे विकेट गिर रहे हो और मैंने कैच किया हो, क्या वो ऐड करूं या नहीं, वो भी बता देना कमेंट में। हमारा आ गया है फाइनल ओवर और सिचुएशन तो डाउन है, लेकिन अगर आप पढ़ते हो ना 78 गेंदों में आपको 110 रन के आसपास चाहिए, तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन की टीम ज़्यादा आसान रहेगा मैच, मतलब बैटिंग टीम के लिए आसान मैच है। सिंगल से शुरुआत, विकेट खोई है तो डेफिनेटली थोड़ा धीरे खेलेंगे, बट मैं कहीं ना कहीं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर बड़ा शॉट ले लें तो मज़ा आ जाएगी। शिमरन हेटमायर है जो कि बहुत बड़े शॉट लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी के लिए सिंगल डबल से ही खुश। पद्दिकल भी नए हैं, एक बाउंड्री चाहिए होगी यहाँ पर रन रेट को 8 बनाने के लिए, 2 गेंदों में लग तो नहीं रहा है। लास्ट गेंद आएगी, सिंगल ही आया है, ओवरऑल 5 गेंदों में 6, 2 ओवर में आए थे 19 और यहाँ पर आते हुए 16 रन आए अंत की 2 ओवर में, और एक विकेट भी निकाला है। ये ओवर रहता हुआ 7 रनों का, और हमारे 4 ओवर में 36 पे 1 विकेट के साथ कोटा समाप्त। अब देखना है कि भाई क्या चेन्नई मैच जीत पाएगा। एक्चुअल में 12 गेंदों में 28 करने हैं, जस्ट इमेजिन अगर मैं ले लेता हूँ स्ट्राइक तो क्या होगा। मैं एक गेंद पहले करके देख रहा हूँ, अगर मुझे लगेगा कि कुछ बड़े शॉट ज़्यादा ही खुल के मार रहे हैं तो फिर नहीं है, ठीक है यार भाई। हाँ एक सवाल आप लोगों से और होगा कि इस तरह का सिनारियो हो तो क्या आप गेम प्ले देखना चाहेंगे या फिर सीधा एंड ऑफ द मैच देखना चाहेंगे, क्योंकि हमारी बॉलिंग तो लगभग फिक्स है कि उतने ही सेशन में मिलने वाली है। प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि क्या किया जाए। बाकी अभी के लिए मैंने 2 गेंदों में विकेट गिरा दिया है, अब ये अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पर हो सकता है विकेट मिली है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम 12 में 28 में मैं दूसरी गेंद पर छक्का खा जाऊँ। बट ये कमेंट जरूर कर देना, आपके कमेंट पर से ही मैंने टूर्नामेंट में नई डिफ़िकल्टी लाई थी, आपके ही कमेंट पर से मैं ये गेम प्ले में कुछ एक्स्ट्रा क्लिप्स ऐड कर पाऊंगा, या फिर अंत की 2 ओवर्स अगर इंटरेस्टिंग होती है तो खेली जाएगी। तो अभी के लिए तो मैंने ऑटो प्ले की गई है, क्योंकि मेरे को यही कहा था सबने कि भाई आप एक्स्ट्रा मत ऐड किया करो। एंड यस, चेन्नई सुपर किंग्स 1/13 रन। मैं पहली बार मैन ऑफ द मैच नहीं बना हूं, अगर मैंने 2 रन और बना लिए होते सिर्फ वो 2 रनों के कारण मैन ऑफ द मैच नहीं बना। अली को ले भी लाया मैन ऑफ द मैच क्योंकि मैंने विकेट निकाली थी, अगर 2 रन और मान लेता तो मैं मैन ऑफ द मैच का खिताब लेता। रैंकिंग दिखाते हैं क्योंकि अब नई रैंकिंग आ रही है, 2 जीते हैं 2 हारे हैं। अरे यार ये वाली एडवर्टाइज आ गई आज, हट। रैंकिंग आ रही है कुछ आपके सामने इस तरह से, चेन्नई है नंबर 4 पे जो कि गुड न्यूज़ है हमारे लिए, एंड माइनस में चल रहा है नेट रन रेट, तो पहले नेट रन रेट सुधारना पड़ेगा, प्लस लगातार मैचेस जीतनी भी होंगी। बाकी आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि भाई आप लोग फट से लाइक मार देंगे वीडियो पे अगर अभी तक नहीं किया है। तो अगला मैच आ रहा है आरसीबी के सामने जो कि इस समय रैंकिंग में हमसे नीचे है, बट अगर जीत लेती है तो नेट रन रेट के कारण प्लस हाँ डेफिनेटली ऊपर आ जाएगी। तो अगले मैच में पता लगेगा हम लोग टॉप 4 में रहेंगे या नहीं, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टाटा, गुड।